नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। नथिंग इज इम्पॉसिबल चैनल में आपका स्वागत है। और ये इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में मैं आपको ब्लॉट टूल के बारे में आज बताऊंगा कि ब्लॉट टूल होता क्या है। बहुत ही सिंपल है और इन सब में बहुत ही छोटी सी वीडियो बनाऊंगा इन चारों में, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक करके सारे सब कुछ मैं बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फाइल में एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और फिर मैंने कोई एक नई शेप बनाई। ये जो ब्लॉट टूल है वो एकदम वेब टूल सॉरी ये रैप टूल की तरह ही है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, एक शेप और बना लेता हूँ यहाँ पे और पॉलीगॉन टूल ले लेता हूँ मैं वैसे। और मैंने यहाँ पे कलर दे दिया कुछ इस तरह ब्लू, और कुछ यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पिंक। ओके, चलते हैं ब्लॉक टूल। ब्लॉक टूल का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप यहाँ पे माउस ले जाएंगे और दबाए रखेंगे माउस, तो ये ब्लॉक टूल है। ओके, ये पहले से मैंने सेलेक्टेड किया है, यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से मैं जितना चाहूँ अंदर की तरफ, यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे कुछ एक्स्ट्रा मतलब अलग से जो डिज़ाइन आप बना के दिखाना चाहते हैं, देख रहे हैं आप, बना सकते हैं यहाँ से। मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से। ओके, इस तरह से देख रहे हैं आप। और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और मैंने ब्लॉट टूल यूज किया, ठीक है। ब्लॉट टूल ये जो है काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप इसे कोई भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं बना के अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चक्र बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो इसका यूज बस यही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो इसे बहुत बढ़िया चीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे नॉर्मली मैं एक नॉर्मल से यूज करके मैंने बताया कि यही यूज होता है ब्लॉट टूल का। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thanks for watching this video. Have a nice day.